वेलकम टू दिस इज हिमांशु जी हाँ, आज के शेड्यूल लेक्चर में एक बहुत ही बढ़िया अपडेट मैं देने वाला हूं। जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है और एक एम एन सी कंपनी मल्टी नेशनल कंपनी में अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट अवसर आ चुका है जी हाँ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं टी सी एस सिग्मा हायरिंग जो है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन बेट क्या रहेगी क्या इसकी एलिजिबिलिटी है इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे स्टेप बाई स्टेप तो वीडियो को कंप्लीट देखना जिससे कि आपको एक भी डाउट जो है वो नहीं रहने वाला है क्या कुछ है तो देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं हमारी वेबसाइट पे कल या परसों में मैंने फार्मा जॉब टीसीएस जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए वैकेंसी थी और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेशर जॉब जो, जो है ये के लिए आ गई है टीसीएस में यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में ठीक है अब बात आती है सर क्या कुछ ऑपरचुनिटी तो देखिए यहां पे ये वैकेंसी जो है टीसीएस एक्सक्लूसिव ऑपरचुनिटी फॉर फार्मा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी टू ईयर पासिंग मतलब दो हजार तेईस में जो पास आउट हो चुके हैं सो बी फार्म और एम फार्म कैंडिडेट है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जी हाँ सर इंपॉर्टेंट डेट क्या है तो देखिए रजिस्ट्रेशन डेट जो इसकी तीस मार्च जो है वो लास्ट है और टेस्ट डेट इसकी नौ अप्रैल है ठीक है जी ये सब कुछ रहने वाला है सर कैसे कुछ अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टी सी एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्रू लॉग इन करना है आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और ध्यान रखना आपके पास दो कैटेगरी आएगी जिसमें बी एस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है अगर आपने पहले फ्यूचर में कभी कर रखा है एप्लीकेशन तो तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं कर रखा है तो आपको अप्लाई फॉर ड्राइव करके न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसके बाद में आपको क्या करना है सल, आपका जो सेंटर है टेस्ट का वो करना है और ये सबसे इसलिए जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म आप जो है वो डाल देना क्योंकि क्या होता है पिछली बार क्या हुआ था कि जो भी नियर अबाउट आपके सेंटर है वो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो फिर आपका जो है कहीं दूर सेंटर में जो है आपको एग्जाम देने जाना पड़ता है तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना टी सी आयोन जो है इसका एग्जाम करवाता है नोटिस इंपॉर्टेंट जो है वो क्या कुछ रहने वाला है ये सब कुछ ओरिजिनल मार्क्शीट डेट वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि आप जानते हैं ये देखिए हमारी वेबसाइट पे मैंने इसको डाल दिया है इसकी लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एक क्लिक पे आपको कंप्लीट पढ़ के इसको अप्लाई करना है ध्यान रखना है इस चीज का

ठीक है बाकी जिसके बैकलॉग वैकलॉग कुछ आया हुआ है तो उसके लिए भी यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल मेंशन कर रखी है वर्क एक्सपीरियंस क्या चाहिए तो सर देखिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ही ये अपॉर्चुनिटी है अठारह से अट्ठाइस साल जो है आपकी एज लिमिट होनी चाहिए टेस्ट प्रोवाइडर कौन है टी सी जो है वो इसका टेस्ट करवाने वाला है और टेक्स में क्या कुछ रहने वाला है सर एग्जामिनेशन पैटर्न इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा देखिए ये पूरा जो आपको है ऑनलाइन कहाँ से मिलेगा तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन की मैंने लिंक दे रखी है जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये भी आपके सामने जो एक खुला हुआ नजर आ जाएगा जिसमें कि हमने आप इसकी एग्जामिनेशन टेस्ट और क्या कुछ टेस्ट लॉग इन यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन करना है उसके बाद में आपको जॉब रोल देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्यों सर बिकॉज देखिए यहाँ पे कंपनी में आपको पता होना चाहिए क्या कुछ जॉब रहने वाला है क्योंकि हम जानते हैं अगर हम फार्मासिस्ट की जॉब कर रहे हैं तो हमें पता है डिस्पेंसिंग की हमें जो है आ, मेडिसिन को डिस्पेंस करना है बट टी जैसी कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनी में एक फार्मा ग्रेजुएट का क्या रोल होता है ये भी हमें जानना जरूरी है तो क्या क्या रोल है तो ये रिलेटेड फार्मा को विजिलेंस क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट क्लिनिकल ऑपरेशन रेगुलेटरी एफर्ट्स ये सब कुछ आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है वर्क टाइमिंग क्या है तो देखिए इट्स इन्वॉल्व ट्वेंटी फोर सेवन रिक्वायर्ड वर्किंग रोटेशनल शिफ्ट इंक्लूड द नाइन नाइट शिफ्ट रहने वाली है भैया ध्यान रखना इस चीज का है ना एलिजिबिलिटी क्या है तो मैंने अभी आपको बता दिया फार्मा ग्रेजुएट बी फार्म और एम फार्म के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर के लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है टेस्ट पैटर्न क्या रहने वाला है तो यहाँ पे देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 65 मिनट्स का रहेगा जिसमें कि क्वालिटी एप्टीट्यूड वर्बल एबिलिटी रहने वाली है और सेकंड में डोमेन टेस्ट में आप 75 में आपका क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट फार्माको विजिलेंस रेगुलर्टी फॉर जनरल टेस्ट जो है वो रहने वाला है तो ये आपका प्रॉपर जो है टेस्ट वेस्ट रहने वाला है ठीक है तो इसके लिंक डायरेक्टली यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर रही है हमारी वेबसाइट पे और यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं फार्मा जॉब्स की अपडेट आपको प्राइवेट जॉब में जाइएगा तो यही नोटिफिकेशन आपको ऊपर ऊपर मिलेगा और मैं आपको बताना चाहूँगा देखिए फार्मेसी नोट्स में जितने भी आपके बी फार्मी फार्म के स्टूडेंट हैं उनके नोट्स हैंड रिटन नोट्स जो है वो भी मैं धीरे धीरे करके प्रोवाइड करवा रहा हूँ फोर्स सेम के हमने अपलोड कर लिए हैं और फार्मा एग्जाम पेपर में आप प्रीवियसली एग्जाम पेपर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं स्कोप इन फार्मेसी में और भी फर्दर ऑपरचुनिटी आप चेक कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो भी स्टूडेंट बी फार्म एम फार्म ग्रेजुएट है ठीक है अब बात आती है सर ये बीएसपी कैटेगरी क्या है तो इसके लिए आप जो है इसके पूरा प्रॉपर वे में कैरियर्स में जाकर प्रॉपर वे में आप चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ रोल आपका रहने वाला है बेसिकली देखिए ये जो टी क्या है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है ना उसमें तो आपको जो है कंसल्टेंस uh, के हिसाब से आपको जो है फार्मा को विजिलेंस हो गया आपका ये सेक्टर जो है आपका स्पेसिफाइड और यहाँ पे जॉब रोल और टाइम वर्क टाइमिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बाद में आपको जो पता चले ये नहीं होना चाहिए ठीक है जैसे कि मैंने आपका बताया फार्मर को विजिलेंस मतलब जितने भी आपकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में मतलब अगर आप कोई क्लिनिकल स्टडी में इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो फेज़ टू फेज़ थ्री फेज़ फोर इसका जो डेटा मैनेजमेंट होता है क्या कुछ सिस्टम रहने वाला है वॉल्टियर क्या उसके बारे में बात करते हैं और क्लिनिकल ऑपरेशन जो चलते हैं आपके रेगुलेटरी एफर्ट्स में आपका क्या आता है जो भी आपकी विदेशों में जो गाइडलाइन है किसी भी ड्रग को अप्रूवल करने के लिए या फिर इंडिया में कोई ड्रग आ रही है उसका अप्रूवल करने के लिए ये सब रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे रहती है रिलेटेड एरियाज बिजनेस रिक्वायरमेंट ये सारा सब कुछ यहाँ पे आपका रहने वाला है तो चलिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बी फार्म एम फार्म ग्रेजुएट के लिए तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं लिंक डायरेक्टली मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है कमेंट बॉक्स में दे दी है अगर कोई क्वरी है तो कमेंट करें आने वाली वीडियो में आपको उसका आंसर कंप्लीटली मिलेगा कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताए कमेंट सेक्शन में लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिक डेट न्यूज अपडेट वैकेंसी अपडेट वीडियो लेक्चर्स के लिए के फॉर वॉचिंग स्टेट्योन